हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल आज आपके लिए एक ब्लाउज़ का वो लेकर आई हूँ। ये देखिए कि ये मैंने ब्लाउज़ बनाया हुआ है। ये किस तरीके से बनाया, अभी मैंने इसका गला नहीं बनाया है, ये ब्लाउज़ बनाया हुआ है। इसमें जो है ये मैं आपको यहाँ पे मेजरमेंट भी दे दूँगी, और इसमें बेसिकली जो है ये आप इस तरीके से बनाइएगा जैसे मैं बता रही हूँ। तो नीचे बॉर्डर में है जो आप 74 फंदे डालिएगा, ये बॉर्डर में डाला हुआ है। 8-10 सिलाई का बॉर्डर बनाइएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं। ये ब्लाउज़ तो मैं आपको बता रही हूँ, चलिए डेमोन्स्ट्रेशन भी थोड़ा थोड़ा सा दे देती हूँ आपको कि किस तरीके से, जैसे कोई नया है या कुछ है जिसको नहीं अभी प्रॉपरली आ रहा है तो उनके लिए भी ये हो जाएगा बिगनर्स के लिए। अब मैंने आपको कहा कि ये बॉर्डर डालिएगा, बॉर्डर इस तरीके से आप फंदे डालेंगे। मेरे यूट्यूब के चैनल पर बताया हुआ है मैंने कि फंदे कैसे डालने हैं। अब इसे हम बॉर्डर कैसे बनाएंगे, बॉर्डर भी मैंने काफ़ी सारे बॉर्डर के डिज़ाइंस जो है आपने चैनल पर डाले हुए, आप देख लीजिएगा, उनमें से कोई भी डाल सकते हैं। मैं अभी जस्ट आपको एक जनरल नॉर्मल वाला बता रही हूँ। एक फंदा सीधा, धागा आगे करके एक फंदा उल्टा, धागा वापस करके एक फंदा सीधा, इस तरीके से धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा, धागा वापस करके एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा, धागा वापस करके एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा। इसी तरीके से जो है आप इसका बॉर्डर बनाएंगे। दोनों तरफ से कम जो मैं ये बता रही हूँ आपको, 8 से 10 सिलाइयाँ हैं, आपने दोनों तरफ इसी तरह से करना है जैसे हमने वहाँ से किया। अब जो सीधा फंदा होगा उस पर हम सीधा बनाएंगे, जो उल्टा होगा उसे हम उल्टा बनाएंगे। ये देखिए, ये फंदा देख रहे हैं उल्टा है, इसे आप इस तरीके से सिलाई डालेंगे। ये पहला फंदा उल्टा, धागा वापस करेंगे, ये सीधा दिख रहा है, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा वापस करेंगे, ये सीधा दिख रहा है, देखिएगा, इस पे सीधा ही बनाएंगे, एक उल्टा एक सीधा। इस तरीके से करके आप जो है ये 8-10 लाइनें जो मैं आपको बता रही हूँ ऐसे आप इसका बॉर्डर बना दीजिएगा। ये देखिए, इस तरीके से जो है ये बॉर्डर बन जाएगा। ये बॉर्डर आपने कम से कम 8 से 10 सिलाइयाँ बनाना है, और उसके बाद आप 10 फंदे जो है यहाँ पे 10 फंदे यहाँ पे बढ़ा दीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि बढ़ाना कैसे है। अब मैंने आपको कहा कि बॉर्डर पे आप 74 या 74, ये आपकी मर्जी है, थोड़ा सा देख लीजिएगा कि बंदा हेल्दी है या कैसा है। तो ये डिज़ाइन, ये बॉर्डर डालने के बाद अब आपने फंदे बढ़ाने हैं यहाँ पे, तो वो मैं बता देती हूँ कि फंदे कैसे बढ़ाने हैं। जिनको बेसिकली बिल्कुल नहीं आता या जो चाहते हैं कि एक बार डेमोन्स्ट्रेशन हो जाए, तो मैं आपके सामने डेमोन्स्ट्रेशन कर रही हूँ कि फंदे कैसे बढ़ाते हैं। एक फंदा आपने इस तरीके से कि अब हमने जो है यहाँ पे 10 फंदे बढ़ाने हैं, तो आप एकदम से साइड्स पे नहीं बढ़ाएंगे, इसे बीच बीच में छोड़ के बढ़ाएंगे। तो वो आप एक बार इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो देखिए जैसे फंदा कैसे बढ़ाते हैं, आपने इस तरीके से फंदे बढ़ाने के काफ़ी सारे तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि आपने ऐसे डाला, एक फंदा निकाला, इसे ऐसे ही रहने दिया, और इसके बैक साइड से दोबारा डाल के दोबारा निकाला, तो ये आपका एक फंदे का 2 फंदा हो गया। अब दूसरे तरीके से बताती हूँ कि किस तरीके से बढ़ाया जाता है। एक तरीका ये भी है कि आपने एक फंदा बुना, उसके साथ वाले फंदे को इस तरीके से उठाया और ऐसे किया। अब एक और तरीका बता देती हूँ जो मैंने पहले भी आपको काफी बार बताया है कि आप इसे इस तरीके से ले सकती हैं। देखिए, धागा ऐसे है, आपने सिर्फ लपेटना है और इसे बुनना है। धागा ऐसे है, आपने सिर्फ लपेटना है और इसे बुनना है। तो ये क्या होता है कि एक एक आपका फंदा बढ़ गया। हाँ, लेकिन ये जाली नहीं आती है, इसे बैक साइड से कैसे बनाना है ये मैं आपको बता देती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ जो इस तरीके से आपने फंदा बढ़ाया उसे आप किस तरीके से बैक साइड से बनाएंगे ताकि वो जाली ना हो। ये देखिए, ये आ गया। अब इसे आपने क्या करना है, ये आपको दिख रहा है, अगर आप यहां से बुनेंगे तो जाली बन जाएगा, आप वहां से नहीं बुनेंगे, आप यहां से बुनेंगे इसे। ये देखिए, यहां से आप नहीं बुनेंगी, यहां से आप इस तरीके से अगर बुनेंगी इसे तो ये जाली नहीं बनेगी। ये जो आपको दिख रहा है, आपको यहां से नहीं बुनना है, बेसिकली यहां से बुनना है। तो ये सारी सिलाई आप इसी तरीके से करेंगी तो आपके जो है फंदे पड़ जाएंगे।
दो तीन तरीके मैंने आपको बता दिया, आपको जो भी इजीएस्ट वे लगे वो आप कर लीजिएगा। ये देखिए कहीं भी आपको जाली नज़र नहीं आएगी। ये देखिए यहाँ पे हमने वैसे बढ़ाया था, और ये ऐसे बढ़ाने में फ़र्क ये है कि ऐसे बढ़ाने में ये थोड़ा सा ये दिखता है। और यहाँ पे ये ऐसे कुछ नहीं दिखता कि आपने बढ़ाया है। तो इस तरीके से आप जो है, मैंने बताया, आप इसको यहाँ पे 10 फंदे बढ़ा देंगे, और उसके बाद जो भी डिज़ाइन आपने डालना है, प्लेन बनाना है, वैसे आप कीजिएगा इसे। और इसकी जो लंबाई है, 14 इंच की लंबाई है, यहाँ से लेकर कम से कम ये पूरे कंधे तक जो है, ये पूरी लंबाई इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 इंच है। और जो ये आर्म होल की कटिंग की है, ये हमने 7.5 यहाँ से नीचे से यहाँ बॉर्डर से लेकर यहाँ तक 7.5 इंच है, 7 साढ़े 7, ये अपने हिसाब से देखिएगा आप नाप के। यहाँ पे हमने 7.5 इंच पे जो है इसकी आर्म होल की कटिंग की है। आर्म होल की कटिंग भी नॉर्मली इसकी जो है स्वेटर की तरह नहीं होती है। आप इसकी कटिंग बस जस्ट 5 फंदे और 3 फंदे कीजिएगा, और उसके बाद सीधा बनाइएगा यहाँ पे ऐसे। चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी आर्म होल किस तरीके से आपने जो है घटानी है। आप होल 5 और 3 करके ही घटाइएगा। तो कैसे घटानी है, एक फंदा आपने बुना, दूसरा फंदा आपने बुना, और ये फंदा इसके ऊपर से कर दिया है। देखिए एक फंदा बुना, ये दूसरा पीछे वाला इसके ऊपर से कर दिया इस तरीके से। दो, ये फंदा बुना, इसका पीछे वाला आपने इसके ऊपर से कर दिया। 3, ये मैं आपको जस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन दे रही हूँ, तो मैंने छोटा सा सैम्पल बनाया हुआ है इस तरीके से। ये आपने राइट साइड से किया। अब आप बाकी सारे फंदे जो है इस तरीके से बुन लीजिएगा, और उल्टे साइड से भी हम दूसरे साइड से की जो बाजू की कटिंग है वो बता देती हूँ मैं आपको। ये देखिए लास्ट हमने बुन लिया। अब हम उल्टे साइड पे आए, और हमने उल्टे साइड पे भी, क्योंकि हमने यहाँ पे कटिंग किया है तो यहाँ पे भी हम कटिंग करेंगे। तो आप ऐसे लेंगे, इसे एक फंदे को बुनेंगे, फिर दूसरा फंदा लेंगे, इसे बुनेंगे, और इसको इसके ऊपर से ऐसे कर देंगे, फिर दूसरा फंदा लेंगे। जितने भी फंदे मैंने बताए हैं, मैं लिख भी रही हूँ उस पर, आप उतने फंदे इस तरीके से घटाइएगा ऐसे। और बाकी देखिए, इसके बाद करने के बाद आपने जो है ये लंबा बना देना है, और फिर गले की कटिंग। और ये जो गले की कटिंग की है, ये जब हमने आर्म होल की कटिंग की है उसके बाद, एटलीस्ट मैंने 3 इंच, 2.5 से 3 इंच आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा इसे, जो है यहाँ से आप 2.5 इंच 2 इंच जैसे भी आप, अगर आपने थोड़ा सा डीप रखना है तो आप उस हिसाब से कीजिएगा आर्म होल से। इसके बाद इतना बनाने के बाद, कम से कम 2 इंच से 2.5 इंच बनाने के बाद आप इसकी कटिंग करेंगे। गले की कटिंग में मैंने इसकी जो है स्क्वायर शेप की है, तो सीधे आप यहाँ पे फंदे घटा देंगे ऐसे बीच में, और जस्ट एक एक साइड पे 3 या 4 फंदे घटाइएगा ताकि इसकी इस तरीके से आए। लेकिन अगर आपने बिल्कुल स्क्वायर शेप चाहिए तो जस्ट बीच में आप घटाइएगा फंदे, और ये इस तरीके से इसे सीधा बनाइएगा। चलिए आपको ये जो गले की कटिंग है ये बता देती हूँ सैम्पल में कि किस तरीके से करनी है। ये जितने भी फंदे हैं, आपने बेसिकली जितने फंदे मैंने आपको कंधे पे बताया है उतने उतने फंदे आपको रख के, जितने भी बीच के फंदे हैं स्क्वायर शेप चाहिए तो वो इकट्ठे घटाने हैं। वो कैसे घटाएंगे, जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे हैं, तो मैं इसमें यहाँ पे 1 2 3 4 5 फंदे मैं यहाँ रखूँगी, और ये 5 फंदे 2 2 4 1 5 यहाँ रखूँगी, ये सारे इकट्ठे मैं घटा दूँगी। देखिए कैसे, एक फंदा बुना आपने, दूसरा फंदा बुना, इसका आपने इस तरीके से कर दिया, फिर ये उतारा, फिर इसे किया इस तरीके से, दो दो चार एक पांच,
स्क्वायर शेप का चाहिए, वी शेप का चाहिए, तो उसका मैंने वी गला अपना जो डाला हुआ है उसी तरीके से आप वी गला यूट्यूब के चैनल पे मेरे जो है वो वी गले का मैंने दे रखा है, उस तरीके से आप उसे खींचेगा। देखिए मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि इस तरीके से आपने इकट्ठे घटा दिया तो ये आपका स्क्वायर शेप आ जाएगा। इसके बाद आपने जो है ये देखिए ये इस तरीके से चढ़ेगा, ये है बस। ये अब आपने इसका ऊपर कंधे तक बनाते जाना है सीधे ही। और ये जो फंदे हैं, ये फंदे मेरे जो है 20 फंदे हैं, तो आप जो है शोल्डर पे जो आपके हैं वो 20 फंदे होने चाहिए, तो उसी हिसाब से जितने भी फंदे 84 अगर इसमें फंदे हैं तो 20 यहाँ यानी कि 40 फंदे छोड़ के हम गले की कटिंग करेंगे। आपने बिल्कुल स्क्वायर शेप करना है तो बाकी सारे फंदे आप यहाँ पे घटा देंगे, और अगर आपने हल्का सा राउंड देना है तो उस हिसाब से आप इसकी कटिंग करेंगे, यानी कि आप बीच में थोड़ा ज़्यादा रखेंगे, फिर 5, 3, 2, 1 करके इसकी कटिंग करेंगे तो इसकी राउंड शेप आ जाएगी कटिंग की। और इसके बाद हमने जो है ये यहाँ से लेकर आर्म होल से लेकर शोल्डर तक जो है ये 6.5 इंच का है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 6.5 इंच की लंबाई है। ये डिपेंड करता है आपकी बेसिकली हाइट पे, तो आप अपने हिसाब से इसे कर लीजिएगा। और इसकी जो है बैक साइड भी फिर मैंने इसका इसी तरीके से बनाया। पहले मैंने फंदे डाले बॉर्डर पे, यहाँ पे 10 फंदे आपने बढ़ा दिए, एंड यहाँ पे अगर आपने बैक भी डीप देनी है या थोड़ा ऊपर रखनी है तो उस हिसाब से आप इसकी कटिंग करेंगे। बाकी आपके शोल्डर की कटिंग मैं बता देती हूँ आपको। अब जो ये बाजू है, अब ये बाजू कोई तो लंबा रखना चाहता है, जो लंबा रखना चाहेगा तो वो बाजू की तरह ही उसे बनाएगा, जो मैंने अपनी स्लीव्स अपने चैनल पे डाली हुई है उसी तरीके से बनाएंगे। और अगर आपने ये इस तरीके से छोटी सी बाजू बनानी है जैसे हम बनाते हैं, तो उसके लिए जो है आपको ये मैंने बेसिकली यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 इंच बनाई है, और इसमें मैंने यहाँ पे 60 फंदे रखे हैं, और इसके बाद मैंने 10 फंदे यहाँ पे बढ़ा दिए हैं। इसके बाद ये डिज़ाइन डाल दिया और ये आपने बना दिया। 6 इंच में से आप जस्ट 5 इंच पे इसकी कटिंग करेंगे, और इसकी कटिंग जो है इसकी कटिंग बाजू की तरह नहीं होती है, इसकी कटिंग आप ऐसे ही करेंगे कि यहाँ पे आप 5 कर देंगे साथ में 3, और उसके बाद सारे इकट्ठे आप बंद कर देंगे, तो इसकी कटिंग इस हिसाब से, इसकी कटिंग जो है हमारी बाजू के हिसाब से नहीं होती है। और उसके बाद अगर आपने गला बनाना है तो आपको इसके फंदे यहाँ से उठाने पड़ेंगे, और इसका जो है बहुत छोटा सा फंदा, जो बहुत छोटा सा बॉर्डर बनता है, कोई ज़्यादा बड़ा बॉर्डर नहीं बनता है। तो आप चाहे अगर आपको गला डीप करना है तो आप यहाँ से शुरू कीजिएगा, ये आपकी मर्ज़ी है। इस तरह से ये जो है ब्लाउज़ आपका तैयार हो जाता है, ये देखिए। इसकी जो मैं मेजरमेंट है बेसिकली नॉर्मली देखिए मैंने जनरल एक लेडी जो भी होती हैं उसके लिए बता रही हूँ आपको, बाकी थोड़ा अगर कोई हेल्दी लेडी हैं या थोड़ी बहुत पतली लेडी हैं तो उस हिसाब से आप इसके फंदे घटाएंगे या बढ़ाएंगे। तो बाकी मैंने एक जनरल नाप आपको दे रही हूँ, और अपना मेजरमेंट मैं इसके आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जो ये वीडियो चढ़ा रही हूँ उस पर भी डालूँगी। Thank you.